पृथ्वी अपने आप में अनेक रहस्यों से भरी पड़ी है, जिसके लिए साइंटिस्ट आज भी इन रहस्यों पर अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु और जानवर हैं, जिनके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन शायद ही आपको इनके बारे में सटीक जानकारी होगी। इसलिए मैं आपका दोस्त और होस्ट फैक्टम क्रिएचर लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन जीवों के बारे में सटीक जानकारी देने वाला हूं, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। साइंस फिक्शन फिल्मों में आपने कई सुपर पावर्स वाले हीरोज देखे होंगे, जिसमें से कई आपके पसंदीदा कैरेक्टर भी होंगे। सुपरमैन की तरह ताकत, बैटमैन की तरह फुर्ती और ऐसे ही सुपर हीरोज जिन्हें देखकर आपका मन भी करता है, काश हमारे पास भी ताकतें होती तो कितना अच्छा होता। विज्ञान के मुताबिक इस पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां रहती है, चाहे वो इंसान हो या कोई और जानवर, सभी में कुछ ना कुछ ऐसी खूबियां होती है जो अगर किसी को मिल जाए तो वो सुपर हीरो भी बन सकता है। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रजाति के बारे में बताएंगे जो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। इस जीव को फ्लैटवर्म्स प्लानेरियन कहते हैं। इनमें ये गजब की सुपर पावर है जो हर इंसान अपने में शामिल करना चाहता है। प्लानेरियन फ्लैटवर्म में प्लानेरियन सेल्स होते हैं, जिनमें खास तरह की विचित्र शक्ति होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सेल्स इस तरह बने हैं कि अगर इन्हें आप जितने टुकड़ों में काटोगे, ये उतने उतने टुकड़ों में फिर से बढ़कर एक नया जीव बन जाएगा, जिसमें वही याददाश्त होगी जो उसे काटने से पहले उसके पास थी। अगर आप इस जीव का सिर काट देते हैं तो इसका सिर दोबारा फिर से उग जाएगा। जो भी हिस्सा काटेंगे वो हिस्सा अपने आप विकसित होकर फिर से पहले जैसा बन जाएगा। अगर इसके सिर, दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी आप काट कर खत्म कर देंगे तो ये सब फिर से इस जीव में पैदा होने लगेंगे और कुछ ही दिनों में पहले की तरह विकसित दिमाग और नर्वस सिस्टम इस जीव के पास आ जाएगा। अगर आपने डेडपूल फिल्म देखी होगी तो ये पावर कुछ उसी तरह की है। अगर किसी इंसान के शरीर में इस तरह के सेल्स डाल दिए जाएं तो वो शायद ही किसी दुर्घटना और बीमारी से मरे। अगर ये पावर आपके पास हो तो फिर तो शायद आपको कोई भी नहीं मार सकता, आप केवल प्राकृतिक मौत ही मर सकते हो, ना कि किसी गोली या किसी हथियार से। वैसे इस तरह की पावर हासिल करना एक सपने जैसा ही है, पर विज्ञान में असंभव बात को संभव करने के लिए हर रोज प्रयोग होते ही रहते हैं। अगर भविष्य में ऐसी शक्ति इंसानों के हाथ लग गई तो पूरी मानव सभ्यता ही बदल जाएगी। प्लेनेरियन दुनिया के कई हिस्सों में आम है, जो खारे पानी और मीठे पानी के तालाब और नदियों में रहते हैं। इसकी कुछ प्रजातियां स्थलीय भी है, लेकिन कुछ प्रजातियां मिट्टी के नीचे और नमी वाले क्षेत्रों में पौधों पर पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका मुंह इसके पाचन तंत्र में होता है, जो कि शरीर के निचले भाग में स्थित होता है। प्लेनेरियन जीवित या मृत छोटे छोटे जीवों को खाते हैं, जो वे अपने मांसपेशियों के मुंह से चूसते हैं, और भोजन मुंह से नली के माध्यम से आंतों में जाता है, जहां पर ये आंतों की लाइनिंग सेल्स द्वारा पचा लिया जाता है। फिर इसके पोषक तत्व बाकी के प्लेनेरियन में फैल जाते हैं। यौन प्लेनेरियन हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, जिसमें अंडकोश और अंडाशय दोनों होते हैं। इस प्रकार इनका एक प्लेनेरियन दूसरी फैमिली के प्लेनेरियन के साथ कॉम्बिनेशन करता है। इसी बीच प्रत्येक प्लेनेरियन अपने शुक्राणु देता और प्राप्त करता है, और इनके अंडे शरीर के अंदर ही विकसित होते हैं, जो कि एक कैप्सूल जैसे दिखाई देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के एक सप्ताह बाद अंडे बाहर आ जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद एक वयस्क प्लेनेरियन बन जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, वक्त है आपसे अलविदा लेने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, इसमें आपका कौन सा रोह खड़ा जाने वाला है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।